नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 स्टैंडर्ड 11 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ध्यान देना. अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल्स टू 0 विथ अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन एक्स वाई अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एंड कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन इज 3i + 2j. तो बच्चों यहाँ पे जो वेलोसिटी दे दी है एट t इक्वल्स टू 0 इनिशियल वेलोसिटी वो है आपका 5i मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक्सिलरेशन जो एक्सिलरेशन है वो है a इक्वल्स टू कुछ 3i + 2j. 3i + 2j आपका एक्सिलरेशन है, ठीक है. देन व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट व्हेन x इज 84, ठीक है. जब x कोऑर्डिनेट आपका 84 हो तब y कोऑर्डिनेट क्या है. तो पहले यही आंसर फाइंड करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं, चेक करें, ठीक है. यहां पे नाउ टेकिंग r इक्वल्स टू v0t + 1/2 at², ठीक है. हम लोग ये अपना नॉर्मल जो फॉर्मूला है वही ले लेते हैं, जिसमें ये हो जाएगा मेरा r v0 यानी 5i (t) + 1/2 3i + 2j (t²), ठीक है. सो r इज इक्वल्स टू 5t (i) + 3/2 यानी 1.5i + 2 (t²j). ये दोनों में से i कॉमन निकलेगा. सो r इज इक्वल्स टू 5t + 1.5i, मैंने i को कॉमन निकाला, ठीक है, + t²j. ओके, दोनों में से i को कॉमन निकाला, तो वो i कॉमन निकला और ये j और ये t² as it is और ये. अब बच्चों ये है आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है. जो i होगा वो आपका हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, ये हमारा हो गया x कोऑर्डिनेट, ठीक है. और ये जो j होगा वो हमारा हो जाएगा y कोऑर्डिनेट. अब आपको ऐसा बोला है कि जब x कोऑर्डिनेट आपका 84 हो, है ना, हाँ, जब x कोऑर्डिनेट आपका 84 हो तब y कितना. तो बच्चों ये आपका 84 है, ठीक है ना. सो नाउ x कोऑर्डिनेट इज 84, x कोऑर्डिनेट 84 मतलब ये पूरा आपका 84 हो जाएगा. तो 5t + 1.5 = क्या लिखू, 84 लिख देता हूं, बराबर. तो ये 5t = 84 - 1.5. सो 5t = 84 में से एक गया 83, यानी 82.5 इतना आ जाएगा. तो आप अगर टाइम देखोगे, ठीक है, x ऑफ t यहां पे हमने गलती कर दी, यहां पे क्या आ जाएगा, देखो देखो, ये जो t² है, ये t², ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा. तो यहां पे हमारा ये बन जाएगा 1.5 t² i, ठीक है. और यहाँ पे ये सिर्फ t²j, ये सही है. यहाँ पे हमने लेना है 1.5 t², ठीक है. और यहाँ पे ये भी सही जा रहा है, अच्छा, इसे हम रब कर देंगे. ओके, अब देख लेते एक बार, 5t = 1.5 t², ये 2² t², ओके सही जा रहा है. ओके, नाउ वो हमारा कोऑर्डिनेट कितना लेना है हमें, 84, यानी x कोऑर्डिनेट यानी क्या हो जाएगा, 5t
प्लस 1.5 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 84 हो गया, क्योंकि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जब 84 हो तब वाई कोऑर्डिनेट कितना, ऐसा हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो भाई इसे थोड़ा ढंग से लिखे। तो 5t प्लस 10/15 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 84, तो ये हो जाएगा आपका 50t प्लस ये इज इक्वल्स टू 840। ठीक है, तो 15t स्क्वायर प्लस 50t इज इक्वल्स टू 840। ओके ओके, आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसमें पहले तो 5 कॉमन निकाल दो, ना इसमें से 5 कॉमन निकाल देंगे, 5 कॉमन 3t स्क्वायर 10t माइनस इसमें से 5 कॉमन, यानी 5 1 5, 5 6 30 एंड 5 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने 5 को कॉमन निकाला है। नाउ 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ये बना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके कुछ पार्ट पढ़ने वाले हैं 28 एंड 80। ठीक है, तो यहाँ पे 3t स्क्वायर प्लस 28t माइनस 18t माइनस 168 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे t कॉमन 3t प्लस 28, 18 कॉमन 3 प्लस 28 is equals to 0, sorry 6 common 3t plus 28, so t minus 6 equals to 0 or 3t plus 28 equals to 0, so t equals to 6। अब बच्चों यहाँ पे आपका valid नहीं होगा, ठीक है, ये valid नहीं है क्योंकि यहाँ पे answer क्या आएगा, negative आएगा। देखो 3t is equals to minus 28, so not possible, क्योंकि टाइम यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो टाइम देखो जब एक्स कोऑर्डिनेट 84 हो तब टी आपका 6 है, और जब टी 6 है तब आपका वाई कितना देख लेते हैं। ठीक है, नाउ वाई कोऑर्डिनेट तो वो हो जाएगा वाई इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू t का वैल्यू कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर यानी y इक्वल्स टू आपको मिलेगा 36 मीटर। ये क्या मिला आपको, y मिल गया। ठीक है, ये हमें y मिला। नाउ स्टूडेंट्स आपको बोला है व्हाट इज द वेलोसिटी एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पोजिशन वेक्टर क्या है, ये वाला है, ये आपका पोजिशन वेक्टर। इसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, नाउ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dr बाय dt। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 5t का क्या होगा, 5 होगा प्लस 1.5t स्क्वायर, उसका हो जाएगा 3t, वो i है वो एज इट इज रहेगा, और ये जो t स्क्वायर है उसका क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और ये जे आ जाएगा आपका, बराबर। अब आपको बोला है t इक्वल्स टू 6 सेकंड पे, वही टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे 6 रख देते, तो वेलोसिटी 6 3 मैं यहां पे लिख देता हूं एट t इक्वल्स टू 6 सेकंड। ठीक है, तो 6 3 18 प्लस 5 23i प्लस 6 2 12j। ठीक है, तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 23 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, तो जो भी आंसर आया आपका मीटर पर सेकंड में आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5। थैंक यू।